दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे। हम अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और 9:16 वाला साइज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिटिंग पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, फिल स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी फोटो हम काइन मास्टर में ऐड करेंगे, सारी फोटो का साइज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। हमें किसी भी तरह का फोटो का साइज नहीं सेट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपना कुछ फोटो सेलेक्ट करेंगे, जिस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना है। तो चलिए हम कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपना फोटो सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने फोटो के बीच हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इफेक्ट नहीं है तो आप गेट मोर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम पहले नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके टाइमिंग को हम 1.5 सेकंड कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाएंगे। इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी भी टाइमिंग हम 1.5 कर लेंगे, फिर हम यहां पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह अपने सारे फोटो के बीच हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपने सारे फोटो पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लिए। इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने पहले नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी टाइमिंग को 1.5 सेकंड कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी टाइमिंग हम 1.5 सेकंड कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह अपने सारे फोटो का टाइमिंग हम सेट कर लेंगे। तो दोस्तों, हम अपने सारे फोटो का टाइमिंग सेट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइन मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहां पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। हमारा वीडियो सेव हो रहा है, कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो सेव हो चुका। इसके बाद हम बैक जाएंगे और फिर हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और 9:16 वाला साइज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और जो वीडियो हम अभी सेव किए हैं उस वीडियो को लाएंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइन मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पर आ जाएंगे और लेयर पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसको 5 से 6 कर लेंगे। फिर हम यहां पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको जहां तक बैकग्राउंड है वहां तक इसको बढ़ा देंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइन मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम फोटो वाले वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट एस लेयर पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। इसके बाद हम डुप्लीकेट लेयर वाले वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा छोटा करेंगे, कुछ इतना इसको छोटा कर लेंगे और इस फोटो को हम इस फ्रेम में एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे ला के रख लेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, क्रॉपिंग पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। इसको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लैक स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। तो चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लास्ट में चले आएंगे और जो भी मटेरियल हमारा बैकग्राउंड से बाहर है इसको काट के हटा लेंगे।
तो दोस्तों अगर इस पे हमें सॉन्ग ऐड करना है फिर हम आइडियो पर क्लिक करेंगे और अपना सॉन्ग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर इसे हमें सेव करना है हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते अगली वीडियो।